नमस्कार गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स नाम रुचि सैनी है रुड़की उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ मोदी केयर में सीनियर डायरेक्टर हूँ और एक डीपी भी रन करती हूँ मोदी केयर का ये शानदार प्लेटफॉर्म देने के लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ अपने सभी अपलाइन गुंजन सैनी मैम दीपक खरगवाल सर नवीन खरगवाल सर और गुरुमा सुरेखा पार्गव मैम का आप सभी अपलाइंस को बहुत बहुत धन्यवाद और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आज लीप प्लेटफॉर्म पर पहली बार मुझे होस्टिंग करने का मौका मिला है फ्रेंड्स आज के शानदार लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ पूरे सेशन में एंड तक बने रहिए आज एक स्पेशल ट्रेनिंग होने जा रही है और जिसमें हमें कुछ टेक्निकल जानकारी मिलने वाली है फ्रेंड्स जैसे कि आप सभी जानते हैं आज का जो टॉपिक है वो है गो डिजिटल फॉर बिग बिजनेस यानी कि टेक्नोलॉजी का यूज करके हम कैसे मोदी केयर बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं और इसमें ग्रोथ कर सकते हैं सो so फ्रेंड्स बहुत ही शानदार सेशन होने जा रहा है आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि डायरी पेन लेकर के बैठिए और नोट्स जरूर बनाइए क्योंकि ये नोट्स आपके काम आएंगे और फिर आप इनसे अपनी टीम की भी हेल्प कर पाएंगे तो फ्रेंड्स एक इस बेहतरीन सेशन के लिए मैं एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनैलिटी लीडर को इन्वाइट करने जा रही हूँ जो कि बाई प्रोफेशन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और गाजियाबाद से बिलोंग करते हैं मोदी केयर से 12 लाख की बलिनो टॉप मॉडल बलिनो ले चुके हैं है। है। तो आप मोदी आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू थैंक यू रुचि मैम आपने बहुत शानदार होस्टिंग करी और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि आप पहली बार कर रही हैं तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए आपके फ्यूचर के लिए तो चलिए दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं टॉपिक बहुत सारे हैं और बहुत कुछ आई एम श्योर जब आप ये सेशन सीख के जाएंगे तो आपके पास बहुत कुछ नया करने को होगा कई लोग फ्री बैठे रहे थे उनको लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आज नहीं मिल पाए रात के नौ बज रहे हैं रात के दस बज रहे हैं अब क्या करें तो उस फ्री टाइम में भी आप किस तरह से मोदी केयर बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं ये सब आपको आज सिखाने वाले हैं और बहुत कुछ आई गारंटी यू बहुत कुछ आप नया सीखोगे आज तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ और आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है कि किस तरह से हम डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं किस तरह से हम ऑनलाइन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कई लोग का ऐसा लगता है कि कैसे बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो ऑनलाइन इतनी बड़ी टीम बना लेते हैं कैसे एक लीडर दिल्ली में रहता है देहरादून में रहता है उत्तराखंड में रहता है उसकी टीम किस तरह से बहुत अच्छी डेवलप कर रही है चंडीगढ़ अम्बाला पंजाब चेन्नई केरला बेंगलोर तो ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये बहुत अच्छे से समझा गया जाना गया जब अपने पास जब कोरोना से हम रूबरू हुए थे उस समय हमको पोटेंशियल समझ के में आया कि किस तरह से यू नो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को हम यूज कर सकते हैं तो अगर आप ये सोचो अगर कोई व्यक्ति जो पहले ऑफिस जाके काम करता था आज घर बैठे बैठे काम कर सकता है तो हम मोदी केरियन क्यों नहीं मोदी केयर बिजनेस को कर सकते हैं तो आज मैं आपको कुछ टिप बताऊंगा जो आपके काम आएंगे बिजनेस को ग्रो करने के लिए और आपके डाउनलाइन हो सकता है ये ट्रेनिंग अभी नहीं देख पा पा रहे हो किसी भी कारणवश तो आपकी जिम्मेदारी है एज लीडर इस इस ट्रेनिंग को, इस ट्रेनिंग को की रिकॉर्डिंग पे आप उनको जरूर पहुंचाइए क्योंकि बहुत कुछ टेक्निकल और नया आप यहाँ पर सीखने वाले हो तो दोस्तों सबसे पहले चलिए आंकड़े जान लेते हैं कि क्यों हम लोग बात कर रहे हैं ऑनलाइन की और ऑनलाइन के बारे में कुछ भी चीज बताने के पहले मैं शुक्रिया करूंगा अजय मलिक सर का जो मेरे अपलाये इस इंडस्ट्री में सुरेखा मैम का जिन्होंने मेरे को मौका दिया और ये चीज आप हमेशा समझिएगा कि ऑलवेज हमेशा अगर आप कंपेयर करोगे ऑफलाइन और ऑनलाइन का तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जो ऑफलाइन का पलड़ा है वो हमेशा भारी रहेगा ठीक है अभी हमारे पास सहूलियत है कि हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं बट जितने भी लीडर ऑफलाइन काम कर रहे हैं और रिजल्ट मिल रहा है मैं उनको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि वो अपनी उस चीज को डिस्टर्ब करें और ऑनलाइन पे आए अगर आपके पास फ्री टाइम है आप ऑनलाइन में मीटिंग नहीं है तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऑफलाइन अगर नहीं कर पा रहे हैं नहीं जा पा रहे हैं तो आप ऑनलाइन के माध्यम से आए क्योंकि ये जो बिजनेस है ये है मिलने जुलने का ये जो बिजनेस है ये है फीलिंग ट्रांसफर करने का ये जो बिजनेस है ये है आपके रिलेशन बिल्ड करने का तो ऑफलाइन रूबरू जब मिलके आप किसी से रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं तो हमेशा ज्यादा अच्छी होती है ज्यादा इफेक्टिव होती है राधर देन आप उसको ऑनलाइन करते हैं बट हाँ ऑनलाइन का भी ट्रेंड बढ़ रहा है कई लोग ऐसे हैं जो ऑफलाइन नहीं आ पाते मीटिंग करने प्लान सुनने तो आप उनको जरूर लेकर आइएगा तो पहली मेरी ये लर्निंग आज के सेशन की कि हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग में ऑफलाइन का जो सिस्टम है वो नंबर वन रहेगा ऑनलाइन का जो सिस्टम है ये उसके बाद प्रायोरिटी में आप ला सकते हैं तो चलिए सबसे पहले हम फैक्ट जान लेते हैं कि ऑनलाइन में कितने लोग हैं कई लोग का ये प्रॉब्लम रहता है सर मेरी तो लिस्ट खत्म हो गई सर मेरे तो लोग नहीं है सर मैं मोदी केयर में सामान तो ले लूंगी सामान तो मैं ले सकता हूँ बट मेरे तो लोग ही नहीं है जानते हैं तो उन लोगों के लिए आज ये सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है जिनके लोग खत्म हो चुके हैं या जिनको लगता है उनके पास लोग नहीं है तो दोस्तों आंकड़े क्या बताते हैं ये दो हजार का आंकड़ा है आपके स्क्रीन पर जहां पर यह बताया गया कि मंथली एक्टिव यूजर्स कितने हैं इन सारे प्लेटफॉर्म पे तो जो सबसे नंबर वन पे चल रहा है दैट इज फेसबुक पच्चीस साल की उम्र से तीस साल की उम्र तक जो सबसे ज्यादा एक्टिव लोग हैं वो हैं फेसबुक पर आप यहाँ देख सकते हो थ्री पॉइंट बिलियन यूजर्स हैं ठीक है राइट साइड में मैंने मीनिंग भी लिख दिया है हिंदी वालों के लिए तो मिलियन का मतलब होता है दस लाख लोग और बिलियन का मतलब होता है अरब लोग तो आप ये सुन के बिल्कुल हैरान रह जाओगे कि फेसबुक पर तीन दशमलव जीरो पांच अरब लोग एक्टिव रहते हैं एक महीने के अंदर आप सोचिए अगर आपने एक महीने में चार पोस्ट भी डाली और उसका वो पॉइंट वन परसेंट तक भी लोग तक पहुंच गई आपकी पोस्ट तो आपका मोदी केयर बिजनेस कहाँ से कहाँ जा सकता है तो दोस्तों और ये जो नंबर है ये कम नहीं होने वाला फेसबुक पे लोग कम नहीं होने वाले जनसंख्या कम नहीं होने वाली लोग बढ़ेंगे नए लोग दुनिया में आएंगे और ये नंबर्स बढ़ेंगे तो जो सबसे पहला चीज है समझने वाला हुई ये है कि हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है वी हैव फेसबुक वी हैव व्हाट्सएप वी हैव यूट्यूब इंस्टाग्राम वी चैट टिकटॉक ब्ला ब्ला बहुत सारी चीजें हैं बट अगर मैं एक प्लेटफॉर्म आपको बोलूं जिसपे सबसे ज्यादा चांसेस है सफल होने के दैट इज फेसबुक और फेसबुक बहुत जल्दी जल्दी अपने अंदर चेंजेस ला रहा है फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों लिंक हो चुके हैं आप कोई भी पोस्ट अगर फेसबुक पर डालते हो तो ऑटोमेटिक वो इंस्टाग्राम पे भी चली जाती है तो आप यहाँ पर एक तीर से दो शिकार कर सकते हो आपने तो फेसबुक पे पोस्ट डाली बट ऑटोमेटिक एक बटन दबाया वो चीज इंस्टाग्राम पर भी पहुंच गई तो सबसे पहला प्लेटफॉर्म जो आपको समझना है वो है फेसबुक उसके बाद व्हाट्सएप की बात करें तो तकरीबन तीन अरब लोग लेके व्हाट्सएप बैठा हुआ है महीने में तीन अरब लोग हैं जो व्हाट्सएप को यूज कर रहे हैं तो आप समझ जाइए फेसबुक के बाद व्हाट्सएप ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर बंदे के मोबाइल में है हर बंदा व्हाट्सएप और फेसबुक को चला रहा है दिन में आधा घंटा एक घंटा दो घंटा और अगर आपकी पोस्ट उस टाइम पे आपने पोस्ट कर दी जिस टाइम पे वो बंदा एक्टिव है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब ये होता है आपको मालूम है हर व्यक्ति रात में पांच बजे के बाद शाम को जब ऑफिस से घर आता है तब तो फ्री हो रहा होता है या फिर लंच टाइम में हैं खाना वाना बना के बच्चे स्कूल चले गए तो लंच टाइम में फ्री होती है अगर आप उस टाइम पे पूरी पोस्ट करो तो वो चीज सबसे पहले सामने वाले को दिखाई पड़ेगी एक टेक्निकल एक्सपेक्ट है फॉर एग्जाम्पल आपने व्हाट्सएप का स्टेटस लगाया शाम को पांच बजे और हर एक व्यक्ति पांच बजे छ बजे छुट्टी हो जाती है छे बजे आपने व्हाट्सएप का स्टेटस लगाया तो व्हाट्सएप रिसेंटली स्टेटस सबसे पहले दिखाता है तो फॉर स्टेटसम्पल आपके व्हाट्सएप पर पांच सौ लोग हैं तो वो पांच सौ लोग को सबसे पहले आपका वो स्टेटस दिखाएगा कि इस व्यक्ति ने ये स्टेटस लगाया है अगर उस टाइम पे आपने फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी पोस्ट लगा ली जस्ट फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोजामाइन की पोस्ट लगा ली कि मेरे घुटनों में दर्द है और उसी टाइम पे उस, उस व्यक्ति ने देख लिया वो पोस्ट जिसके घर में उसकी माता जी को घुटने का दर्द है तो डेफिनेटली वो आपसे पूछेगा कि भाई साहब ये जो आपने पोस्ट लगाई है ये कौन सा ऐसे प्रोडक्ट है मेरे को भी चाहिए देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में जो मेन चीज होती है वो होती है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना और बाई यूजिंग दीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इट इज वेरी इजी टू रीच आउट सो मेनी पीपल बहुत आसानी से आप लाखों करोड़ों अरबों लोगों तक पहुंच सकते हो तीन अरब लोग बैठे हुए हैं फेसबुक के ऊपर तो अगर आप कोई भी पोस्ट स्टोरी डालते हो फेसबुक पर तो आपको पता भी नहीं कौन प्रोस्पेक्ट आपका बन जाए कौन आपको ज्वाइन कर ले कौन आपसे सामान का ऑर्डर दे ले और आज इस एक घंटे की आधे घंटे की मीटिंग में मैं आपको पूरा इको सिस्टम बताने जा रहा हूं मोदी केयर जो एक तरह से मैं कह सकता हूं कि सबसे बेस्ट कंपनी है जो इतने सारे टूल्स टेक्नोलॉजी आपको दे रही है मगर कहीं ना कहीं हम उससे अवेयर नहीं है हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं और अपने बिजनेस को ग्रो नहीं करा पा रहे हैं नहीं तो मेरे नजर में इंडिया में या फिर बाहर कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो इतने सारे डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज आपको प्रोवाइड कर रही है अपना बिजनेस ऑनलाइन ग्रो कराने के लिए और मजे की बात क्या है कि अगर आप प्रोफेशनल हैं अगर आप जॉब कर रहे हैं जॉब के साथ मोदी केयर बिल्ड कर रहे हैं तो ऑनलाइन बहुत अच्छा रास्ता है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का और अपना बिजनेस आगे बढ़ाने का ठीक है अब जान लेते हैं कि अगर हम बात करें ऑनलाइन की तो किस तरह से ऑनलाइन में क्या क्या फायदे हैं तो यहाँ पर दस फायदे हैं ऑनलाइन बिजनेस करने के जो मैं जल्दी से आपको बताऊंगा कि अगर आप ऑफलाइन करते हैं और साथ में आप ये सोचते हैं कि आप ऑनलाइन भी सीख लो जूम पे सीख लो जैसे आज आप मेरे को जूम पे देख रहे हो तकरीबन तीन लोग लाइव देख रहे हैं अगर मैं ये सोचूं आप फिजिकली आते हैं मेट्रो पकड़ के ट्रेन पकड़ के बस से तो बड़ा मुश्किल होता है तीन सौ सत्ताईस लोगों को कैटर करना एक हॉल बुक करना बहुत सारी चीजें तो आइए जान लेते हैं ऑनलाइन अगर आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हो तो वो कौन से ऐसे दस फायदे हैं जो आपको मिलेंगे तो सबसे पहला जो फायदा है वो है बिगेस्ट कॉस्ट सेवर फॉर नेटवर्क मार्केटर फॉर एग्जाम्पल अगर क्या कहते हैं कोई लीडर है जो गुड़गांव में रहता है और उसकी एक मीटिंग गाजियाबाद में सेट हो गई तो उसको आने में ढाई घंटे लगेंगे जाने में ढाई घंटे लगेंगे और हो सकता है ओला उबर का उसका हजार रुपए का बिल आ जाए फिर अगर वो कहीं पर बैठ के चाय कॉफी पी रहा है किसी हल्दीराम में रेस्टोरेंट में तो वो दो सौ चार सौ रुपए का तो अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो तो ये सारा का सारा पैसा आपका बच रहा है तो बहुत बड़ी कॉस्ट सेविंग हो जाती है जब आप कोई भी बिजनेस बिल्ड करते हो ऑनलाइन तो यहाँ पर बस खर्चा है आपका इंटरनेट का जो ऑलरेडी आपके पास है और जूम मीटिंग का जूम फोर्टी मिनट का बिल्कुल फ्री आपको प्रोवाइड करता है ठीक है फायदा नंबर दो क्या है गुड फॉर प्रोस्पेक्ट कई ऐसे प्रोस्पेक्ट होते हैं जो सेमिनार हॉल में आने में कतराते हैं कई ऐसे प्रोस्पेक्ट होते हैं जो फ्री तो रहते हैं बट आपको वो तो बोलते हैं कि भाई साहब मैं तो संडे को फ्री नहीं हूं बट वहीं पर अगर आप उनको जूम मीटिंग का लिंक देते हो तो कहीं ना कहीं वो मोदी केयर बिजनेस की मीटिंग को अटेंड करते हैं और बिजनेस को देखते हैं और उस समय नहीं तो एटलीस्ट एक आख दो महीने बाद जब वो आपको आगे बढ़ता हुआ देखते हैं तो इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है प्रोस्पेक्ट्स के लिए कई सारी ऐसी लेडीजे हैं जो बिजनेस देखना चाहती हैं बट कहीं ना कहीं आप उनको इनवाइट करते हो तो आ नहीं पाती क्योंकि बच्चे हैं क्योंकि उनको अलाउ नहीं है घर से बाहर निकलना दूर जाना तो उस केस में भी ये बहुत अच्छा है प्रॉस्पेक्ट्स के लिए नंबर थ्री है बिग टाइम सेविंग जैसा मैंने आपको बताया आना जाना कभी कभी ऐसा भी होता है हम बड़ी दूर जाते हैं मीटिंग करने और वो प्रोस्पेक्ट ही नहीं आता तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है तो बहुत बड़ा टाइम सेविंग भी है ठीक है बेनिफिट नंबर चार क्या है नो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज दोस्तों मेरी एक टीम बनी है नागालैंड दीमापुर में अब आप सोचो मैं बैठा हूँ दिल्ली में यहाँ से पंद्रह सौ किलोमीटर दूर है दूर है नागालैंड दीमापुर वहां पर मेरी एक टीम बनी है मेरी एक टीम इलाहाबाद में है मेरी एक टीम दिल्ली में है एक टीम हरियाणा में है एक टीम मुंबई में है तो ये लोग कैसे मिले ये लोग मिले ऑनलाइन और मैं वही आपको बता रहा हूँ ऑनलाइन का पोटेंशियल बहुत है अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं केवल लोगों से जाकर मिलेंगे तभी बिजनेस होता है तो ऐसा नहीं है और लोग ऑनलाइन भी आ, मैं किसी लीडर का सुन रहा था कि उनकी तीन एलपी बी फेसबुक के माध्यम से कोई लीडर मिला उसके थ्रू बनी है राइट right. और कहीं कही ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि अनजान लोग आपका नेटवर्क ज्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं कोई रिश्तेदार कोई दोस्त उतना नहीं ग्रो करता अनजान लोग अगर बिजनेस में जुड़ते हैं तो आपका बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर कोई जीरो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं है आपका मन है चंडीगढ़ में काम करो आपका मन है बिहार में काम करो आपका मन है पटना में काम करो क्योंकि एवरी वन हैज व्हाट्सएप एवरी वन हैज इंटरनेट जूम मीटिंग तो आप कहीं पर भी अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो पांचवे नंबर का फायदा क्या है एडवांटेज फॉर लेडीज जैसा कि मैंने आपको बताया लेडीज को बहुत सारा बाउंडेशन होता है बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं तो वो सारी जिम्मेदारियों के साथ वो कहीं ना कहीं ऑफलाइन में जाना है मीटिंग करना है होम मीटिंग करना है वो नहीं कर पाती बट वहीं पर आप अगर उनको बोलते हो कि ठीक है तुम्हारी तीन फ्रेंड हैं तुम उनको ऑनलाइन बुला लेना हम उनको जूम पे मीटिंग दिखा देंगे तो जस्ट आप उनको एक आइडिया देते हो मोदी केयर का आप प्लान समझाते हो मे भी केवल कस्टमर बेनिफिट बताते हो और वो क्लोजिंग अपने आप करती है और वो व्यक्ति जो कई टाइम से नहीं आ पा रहा था वो ज्वाइन होता है और वो बिजनेस में इन हो जाता है फायदा, जुड़े हुए हैं। तो फायदा नंबर क्या है? आप अपने टाइमिंग के हिसाब से काम कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है सबेरे है दोपहर है शाम है आप किसी भी टाइम पे काम कर सकते हैं टाइम आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं बहुत अच्छी फ्लेक्सीबल टाइमिंग है जबकि अगर ऑफलाइन की आप बात करें निश्चित टाइम पर ही लोग आ सकते हैं अगर आप किसी ऑडिटोरियम तो नहीं है बट ऑनलाइन में इस को कर लेगा। है अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऑफलाइन ऑलवेज बेस्ट बट ऑनलाइन को भी आप आज से कंसिडर करना शुरू करिए अगर आप ऑनलाइन अभी तक नहीं कर रहे हैं बिजनेस को तो ठीक है बेनिफिट नंबर सेवन क्या है बिगेस्ट मल्टी बिग प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लायर इसका क्या मतलब है आप जो काम करते हैं आपका डाउनलाइन वही करता है अगर आप अभी तक जो मीटिंग नहीं करते हैं तो आप अपने डाउनलाइन को बताइए कैसे करते हैं वो आगे बताएगा तो ऑनलाइन का जो चीज है वो बहुत जल्दी जल्दी डुप्लीकेट होता है जबकि ऑफलाइन में क्या है मान लीजिए आपने कोई हॉल बुक किया उसमें आपके हजार रुपए लग गए फिर आपने केटरिंग वाले से बात करी फिर आपने बहुत सारा काम किया तो ये चीज डुप्लीकेट करना थोड़ा सा मुश्किल है जबकि ऑनलाइन डुप्लीकेशन बहुत ईजी है पॉइंट नंबर एट क्या है ग्रेट सोल्यूशन फॉर पीपल उट फॉर मीटिंग इवेंट जैसे कि मैंने शुरू में बोला बहुत सारे लोग हैं जब आप उनको ऑडिटोरियम में बुलाते हो सेमिनारीटिंग फेस फेस तो से. तो को देख लेते हैं बिजनेस को समझ लेते हैं बेनिफिट नंबर नाइन क्या है नेचुरल डिमांड फॉर ऑनलाइन बिजनेस दोस्तों कोविड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं बहुत सारी ऐसी लेडीज है जिनके पास समय होता है अगर आप उनको बोलोगे की मेरे पास एक बिजनेस है जिसको तुम घर पे बैठ के कर सकते हो तुम दो चार घंटा पार्ट टाइम में अपने हिसाब से कर सकते हो समय निकाल के और पैसे आएंगे तो डेफिनेटली पीपल आर लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ बिजनेस जबकि मार्केट में जो ट्रेडिशनल बिजनेस है अगर आप कहीं ट्यूशन कर रहे हो कहीं आप पढ़ाने जा रहे हो तो वो फिक्स टाइम होता है आपको डेली नौ बजे उठ के दस बजे उठ के तैयार होकर ऑफिस जाना है काम करना है या फिर आपको और कोई काम कर रहे हो तो काम आए तो आपको तुरंत करना पड़ता है Whether it's part -time or full -time. में ऐसा कुछ नहीं मैनेज कर सकते हो तो सबसे अच्छी चीज क्या है कि नेचुरल डिमांड है आप सही लोगों तक पहुंचोगे तो लोग आएंगे भी जुड़ेंगे भी काम भी करेंगे और आपका बिजनेस आगे भी बढ़ेगा बेनिफिट टेन ट्रेनिंग जैसा कि हमको सबको मालूम है की ट्रेनिंग इज द हार्ट ऑफ आवर बिजनेस अगर आप लोगों को पढ़ाओगे नहीं टीच नहीं करोगे तो आपका बिजनेस नहीं आगे बढ़ेगा कुछ लोग आएंगे प्रोडक्ट लेंगे और बिजनेस वहां स्लो हो जाएगा सबसे अच्छी चीज है हर व्यक्ति के टीम में जो बहुत बड़ा लीडर है आप देखिएगा उसकी टीम में बहुत ज्यादा लर्निंग ट्रेनिंग सेमिनार्स इवेंट्स होते रहते हैं और वो ज्यादा फोकस करते हैं ट्रेनिंग के ऊपर तो नेटवर्क मार्केटिंग में तो फंडा चलता है ईच वन टीच टू एवरी वन अगर दो लोगों को हर एक व्यक्ति अगर दो लोगों को टीच कर रहा है और आगे भी यही चीज चल रही है तो बहुत इजीली आपका बिजनेस जो है ये आगे बढ़ता रहेगा तो ये बिजनेस है सीखने का सिखाने का ये बिजनेस प्रोडक्ट सेलिंग का नहीं है ये बिजनेस यू you नो know, जोड़ने का नहीं है अगर मैं बोलूँ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है क्या तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है सीखने का और सिखाने का ये जितना ज्यादा होगा आपके टीम में उतना जल्दी आपकी आपका बिजनेस जो है ये आगे बढ़ेगा तो ये दस पॉइंट है दोस्तों जो बहुत जरूरी से जानना ताकि हम ये समझ पाए कि ऑनलाइन जाना क्यों है तो इस फायदे को जानने के बाद आई होप आप समझ गए होंगे कि बहुत सारे फायदे हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ऑनलाइन हम आराम से कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों आगे मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जो आपके मोदी केयर बिजनेस को आगे लेकर जाएगी जो आपके मोदी केयर बिजनेस में वैल्यू एडिशन करेगी बट समय कम है तो मैं आपको एक एक चीज डिटेल में नहीं बताऊंगा तो आज के तारीख में हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है यूट्यूब सर्च आपको एक छोटा सा रेसिपी बनाना है ठीक है आलू मटर की सब्जी बनानी है चाहे आपको एटम बम बनाना है एवरी थिंग अवेलेबल ऑन यूट्यूब दोस्तों यूट्यूब एक ऐसा भंडार है जानकारी का जहां पर हर एक चीज आपकी भाषा में आपको हिंदी में जानना है इंग्लिश में जानना है मराठी में जानना है मलयालम में जानना है हर एक लैंग्वेज में यू वीडियो जरूरत है तो बस उसको सर्च करने की अगर मेरे को कोई भी चीज सर्च करनी होती मैं गूगल बाद में करता हूँ पहले मैं यूट्यूब पे करता हूँ यूट्यूब पे सर्च करने का फायदा है आपको वीडियो मिलता है वीडियो में क्या है आप देखते हो और आपको चीजें समझ में आती है पढ़ने में क्या हो सकता है आपको इंग्लिश नहीं आती हो आप इंग्लिश वाला चीज पढ़ रहे हो आपको समझ में नहीं आ रही है तो जो आगे मैं जितनी भी चीजें आपको बताऊंगा मैं आपको केवल ओवरव्यू दूंगा मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट दूंगा कि ये चीज है मोदी केयर में जिसको करके आप बिजनेस में आगे बढ़ सकते हो आपको क्या करना है आप उस टॉपिक को नोट ध्यान रखिए नोट पैड में नोट करिए या फिर इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग सुन के सुनके, आप यूट्यूब पे जाएंगे वो टॉपिक सर्च करेंगे आपको वहां पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने यूट्यूब पे गया और मैंने यहाँ पर लिखा मोदी केयर होम शॉप तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर एक वीडियो है हाउ टू सेटअप मोदी केयर होम शॉप ट्यूटोरियल ऑफिशियल मोदी केयर यूट्यूब चैनल पे और इसमें सैंतालीस लोगों ने इस वीडियो को देखा है तो हर बार जरूरी नहीं है आपको जूम मीटिंग पे आकर लीडर हर एक चीज बताया डिटेल में तभी आप वो चीज करो आपको अगर आइडिया भी लग गया है ना तो कहते हैं ना जहां चाह वहां रहा अगर आप वाकई में आगे बढ़ना चाहते हो तो जो भी चीज मैं आगे बताने जा रहा हूँ आप सिंपल यूट्यूब पे जाओगे सर्च में लिखोगे या फिर आजकल एक और अच्छी चीज है आप माइक बटन दबाओ और उसको बोल दो मोदी केयर होम शॉप क्या होता है ऐसे बोल दो वो आपको बहुत सारी वीडियो दे देगा क्योंकि यूट्यूब यूट्यूब का जो सर्च इंजन है वो काफी अच्छा है काफी ऑप्टिमाइज है आप अगर कोई चीज मिलती जुलती भी नहीं लिखते हो ना तो वो समझ जाता है आप क्या ढूंढना चाह रहे हो क्योंकि जमाना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है एआई का चैट जीपीटी का तो हर चीजें बहुत परफेक्टली चल रही हैं आपको जाना है और उस पर सर्च करना है तो चलिए मैं आपको एक एक टॉपिक बताता हूँ आप वो टॉपिक खुद से जहां चाहो वहां रा करके आप यूट्यूब पे जाओगे उस टॉपिक को सर्च करोगे और उसको देखोगे समझोगे और अपनी टीम को भी आगे समझाओगे तो जो पहला टॉपिक है मोदी केयर बिजनेस का वो है रिवॉर्ड क्लब ठीक है ये हालांकि बिजनेस को बढ़ाने का आ, कोई टॉपिक नहीं है बट ये चीज एक आई है और उसके बाद आई होप कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं हुई जिसमें इस टॉपिक को कवर किया हो तो मैं जस्ट ब्रीफली आपको बताऊंगा कि ये आखिर है क्या तो दोस्तों मोदी केयर में हाल ही में एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जो है रिवॉर्ड क्लब प्रोग्राम ये प्रोग्राम क्या है मैं आपको अगर संक्षेप में बताऊं तो पहले छह महीने की लॉयल्टी जब हमारी बनती थी या बारह महीने की लॉयल्टी बनती थी तो आपको मोदी केयर का सामान खरीदना पड़ता था अब क्या करना है दोस्तों सामान के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज है जो आप मोदी केयर से ले सकते हो जैसे चादरें हैं आपका बैग है प्रेशर कुकर है हेडफोन्स हैं ये सारे चीज आप अपने लॉयल्टी कूपन से ले सकते हो इसके लिए करना क्या है जिस महीने में आपका लॉयल्टी कूपन जनरेट हो रहा है उस महीने में आप उस रिवॉर्ड का जो भी आपके जितने भी रुपए का कूपन बनाए फॉर एग्जाम्पल आपका ढाई का कूपन बना है तो एक ऑप्शन आता है आप वहां जाओगे उस ऑप्शन में और उस पॉइंट को रिवार्ड uh, पॉइंट में कन्वर्ट कर लोगे ढाई हजार रुपए का जो आपका लॉयल्टी का कूपन बना है उस लॉयल्टी कूपन को आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट में कन्वर्ट कर लोगे फॉर एग्जांपल आपको एक एक चाहिए ट्रॉली बैग जिसमें है जिस जिसको लेने के लिए चार हजार पॉइंट चाहिए तो उस महीने आप क्या करो आप अपने कर कर मतलब हजार तो पॉइंट था है तो आप क्या करोगे आप अगले छह महीने बाद जब कूपन आएगा तो दोनों के पॉइंट जोड़ के आप अपना ट्रॉली बैग खरीद सकते हैं बट कंडीशन यहां पर यह है दोस्तों आपका कूपन जिस महीने में बना उसी महीने में आपको वो लॉयल्टी कूपन कन्वर्ट करना पड़ेगा पॉइंट्स में रिवार्ड पॉइंट्स में नहीं तो अगला महीना हो गया तो केवल आप मोदी केयर का सामान ले पाओगे अगेन अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो डोंट वरी यूट्यूब पे जाइए लिखिए मोदी केयर रिवॉर्ड क्लब आपको वहां पर सौ दो वीडियो मिल जाएगी कोई भी वीडियो में आप देख लीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर बस मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ कि ये चीजें हैं जो आप बिजनेस में कर सकते हैं दूसरी जो एक बहुत अच्छी चीज यूज करी है मोदी केयर ने इंट्रोड्यूस करी है वो है मोदी केयर बीस प्लस अकाउंट ये इतनी अच्छी चीज है जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है ये आपका काम आसान करती है आखिर ये है क्या ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है मोदी के आप अगर इस प्रोडक्ट को परचेस करते हो और अपने फेसबुक से लिंक कर देते हो तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये जो ऐप है ये ऐप ऑटोमेटिक आपके नाम से आपकी एक पोस्ट बनाएगा सुंदर सी उसमें प्रॉपर लिखेगा डिटेल उसके बाद हैशटैग भी करेगा हैशटैग क्या होता है मैं आपको बता दूं कोई भी चीज जो आप फेसबुक पे लिखते हो वो जनरली लोगों तक नहीं पहुंचती क्यों क्योंकि वो लिंक नहीं हो पाती बट जब आप उसी पोस्ट के नीचे हैश टैग लिखते कोई की वर्ड लिखते हो तो वो चीज बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाती है तो अगर आप ज्यादा टेक्निकल नहीं हो आप इंजीनियर नहीं हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हो तो ये जो ये जो एप्लीकेशन है बीस प्लस ये आपके लिए एक अच्छा सा पोस्ट बनाएगा फोटो लगाएगा वीडियो बनाएगा उसके नीचे आपका मोबाइल नंबर लिखेगा आपका फोटो लगाएगा आपका नाम लिखेगा और साथ में उस पोस्ट के नीचे हैशटैग लिख देगा फॉर एग्जाम्पल आपके फेसबुक में अगर 2000 दो दोस्त लोग जुड़े हुए हैं तो वो पोस्ट 2000 लोगों तक फटाफट से पहुंच जाएगी और अगर सोचे कोई अच्छे प्रोडक्ट की पोस्ट सही टाइम पे आपके जानने वाले तक पहुंच गई तो उसका खुद आगे से कॉल आएगा क्यों क्योंकि उस पोस्ट में आपका मोबाइल नंबर भी है खुद से फोन आएगा कि भाई साहब मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए आपकी पोस्ट देखी थी तो मैं आपको हाईली ही रिकमेंड करूंगा ये प्रोडक्ट आप जरूर परचेज करिए फोर नाइनटी नाइन रुपीज का है आप इसको परचेज करिए और अपने मोबाइल अपने फेसबुक को इसे लिंक करिए ऐप से और ये आप, आपके लिए ऑटोमेटिक पोस्टिंग करता रहेगा आपको पता भी नहीं चलेगा आपके नाम पर पोस्ट हो गई लोगों ने देख लिया और आपको ऑर्डर आ गया राइट तो ये एक बहुत अच्छा पोस्ट है आपको नहीं पता ज्यादा तो आप यूट्यूब पे जाइए लिखिए मोदी केयर बीस प्लस आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे और आप उस पर काम कर सकते हैं ठीक है तो ये क्या क्या करेगा ये आपको चौदह अलग अलग कस्टमाइज मंथली कंटेंट देगा आपके पोस्ट पर एक महीने में डिजिटल वर्कशॉप आपको दी जाएगी इस इस ऐप को लेकर कैसे आगे बढ़ाना है और अगर आपको ज्यादा इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप मोदी केयर का जो अपना आजादी कॉल सेंटर है वहां पे भी सुबेरे दस से रात के दस बजे तक कॉल करके भी पूछ सकते हैं इसके बारे में और जब भी आप ये परचेस करोगे तो आपको अगले दिन फोन आएगा जो आपको प्रॉपर समझाएंगे कि किस किस तरह से कंफिगर करना है किस तरह से आपको जोड़ना है अपने फेसबुक अकाउंट से तो वो भी आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको बस ये परचेज करना है ठीक है ये कोई सामान नहीं है ये जस्ट आप पांच देंगे कंपनी को कंपनी आपको उसका एक्सेस दे देगी आपको अगले दिन फोन आएगा कंपनी से और आपको ये चीज सेट करवा दी जाएगी और आप इसको यूज कर पाएंगे दूसरा जो बहुत ही जबरदस्त चीज कंपनी ने लॉन्च करी है वो है होम शॉप दोस्तों पहले ढाई लाख रुपए दो लाख रुपए खर्च करने पड़ते थे डीपी खोलने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट खोलने के लिए बट अब वही चीज आपको मात्र बीस पच्चीस हजार रुपए में कंपनी अलाउ कर रही है कि आप अपना मिनी डीपी या अपना होम शॉप खोल सकते हो इससे फायदा क्या होगा आपके घर पे प्रोडक्ट रखा है आपकी डाउनलाइन आएगी आपके घर पे बिलिंग करा सकती है कई ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं सर हमारे तो मोहल्ले में हमारे तो पांच किलोमीटर के रेंज में कहीं पर डीपी नहीं है और डीपी खोलने के लिए दो लाख का खर्चा था पहले बट अब वही चीज आपको मिल जाती है बीस पच्चीस हजार में बीस हजार रुपए का आप सामान खरीदिए और वो जीरो बीवी का सामान होगा इसका मतलब एज अ डी आप अपने घर पे होम शॉप रन कर सकते हो ठीक है प्रोडक्ट का डेमो आप दिखा पाओगे अगर आपके पास सामान है आप अपने डाउनलाइन की बिलिंग कर पाओगे अगर आपके पास ये होम शॉप डीपी है ठीक है रीपरचे का भी आप प्रमोशन कर पाओगे जब सामान सामने रहती है है तो जल्दी जल्दी बिक्री होती है। और जब आपके सामान नहीं होता आपके पास तो आप कहते हो ठीक है ऑर्डर दे दो ऑनलाइन करेंगे फिर तीन -चार दिन लग जाते हैं तो ऐसा देखा गया है जिस जिस लीडर के पास सामान हैंडी है घर पे अवेलेबल है उसका बिजनेस ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता है क्योंकि आपको कुछ नहीं मालूम कौन व्यक्ति आपके घर पे आ जाए और क्या चीज तुरंत खरीद ले तो मैं सारे लीडर को रेकमेंड करूंगा जितने भी लोग मोदी केयर में टेन परसेंट प्लस हैं वो आज ही अपना जैसे मैजिक कॉर्नर तो खोलते ही थे हम उसके बदले आप ये चीज खोल लो मैजिक कॉर्नर में आप बिलिंग नहीं कर सकते बट यहाँ पर आप बिलिंग भी कर सकते हो और सबसे अच्छी बात क्या है फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ ऐसे प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिए जो फॉर एग्जाम्पल आपके नहीं बिके किसी भी कारणवश आपने कोई प्रोडक्ट लिया था फॉर एग्जाम्पल आपने चाय पत्ती ले ली थी और नहीं बिकी चाय पत्ती तो कोई बात नहीं आप मोदी केयर पे ऑफिस में जाइए बोलिए चाय पत्ती नहीं चाहिए इसके बदले दूसरा सामान दे दीजिए क्योंकि वो सामान जीरो भी बिका है तो इजीली वो आप रिप्लेस भी कर सकते हो के के जीरो एक्सचेंज कर सकते हो बड़ी आसानी से आपका प्रोडक्ट एक्सचेंज जाता है तो और भी अच्छी बात है आपने सामान रखा था, नहीं तो ये सब बहुत अच्छे हैं और इसके लिए क्या करना है आप मोदी केयर के दस पंद्रह ऐसे प्रोडक्ट पकड़ के चलो जो सबसे ज्यादा बिकते हैं मोदी केयर में जैसे अपना सॉफ्ट वॉश साबुन है कैल्शियम है स्मार्ट है टूथपेस्ट है होते हैं। जब ये चीज ज्यादा सेल होंगे तो आपके प्रोडक्ट जल्दी जल्दी निकलेंगे फिर हो सकता है आप डीपी के लिए भी ट्राई कर सकते हो क्योंकि आपको तरीका समझ में आ गया तो एक तरह से मिनी डीपी है अब आपको दो लाख नहीं खर्चा करना मात्र बीस हजार की लागत में आप मिनी मिनी डीपी खोल सकते हो और अगर आपको नहीं पता इसके बारे में तो अगेन यूट्यूब पे जाइए सर्च करिए बहुत सारे वीडियोज हैं जिसमें बहुत डिटेल में इसके बारे में बताया गया है होम शॉप घर की दुकान अगला जो आ... प्रोडक्ट है या फिर अगला जो सर्विस है मोदी केयर के तरफ से वो है रोड टू फ्रीडम ऐप दोस्तों इतना अच्छा ऐप है अगर कोई व्यक्ति जुड़ा था मोदी केयर में जिसका अपलाइन काम नहीं कर रहा है या अपलाइन छोड़ के चला गया है तो ये जो प्रोडक्ट है डिस्कवर योर डिजिटल सारथी ये प्रोडक्ट हर एक चीज आपकी ट्रैक करेगा आपको बताएगा कि आप मोदी केयर में आगे अगला काम क्या है आपको बताएगा कि आपको मीटिंग करनी है आपने मीटिंग नहीं करी हर एक चीज आपको दिखाएगा हर एक चीज आपको बताएगा जो आपका बताया था या नहीं बताया था तो एक ऐप है इसको आप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पर जाइए सर्च करिए रोड टू फ्रीडम ये ऐप आ जाएगा आप इसको डाउनलोड करिए कैसे चलाना है अगेन यूट्यूब पर जाके आप लिखिए मोदी केयर रोड टू फ्रीडम ऐप बहुत सारी वीडियो आएगी आप वहां पर जानिए बट ये ऐप सबके मोबाइल में होना चाहिए आपको आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका पिछले महीने कितना पेमेंट बना था छह महीने पहले कितना पेमेंट बना था आपका बिजनेस कितना ऊपर जा रहा है कितना नीचे जा रहा है ज्यादा चेक चाहने के लिए क्या चीज ज्यादा चेक प्राप्त करने के लिए का, क्या काम करना है तो ये बहुत वंडरफुल ऐप है और मैं आपको बता दू जानकारी के लिए मोदी केयर के अलावा शायद ही कोई दूसरी एमएलएम कंपनी है जिसमें ये प्रोडक्ट अवेलेबल है तो ये बहुत जबरदस्त ऐप है आपने अभी तक यूज नहीं किया तो इसको जरूर इंस्टॉल करिए आईफोन पर और एंड्रॉयड पर दोनों पे अवेलेबल है ये और इसको सीखिए कैसे चलाना है बाई यूजिंग यूट्यूब सर्च अगला जो मोदी केयर का एक एप्लीकेशन है या वेबसाइट है वो है एसपीबीएम एकेडमी जो अपना इंग्लिश कोर्स है स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स ये आप इससे सीख सकते हो मोदी केयर के किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए आप इस पर सीख सकते हो आपको आ, अर्बन कलर के प्रोडक्ट के बारे में जानना है आप इसपे सीख सकते हो आपको बिजनेस में कैसे आगे बढ़ना है आप इसपे सीख सकते हो आप यहाँ पर देख सकते हो पचास हजार से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं इस एप्लीकेशन के और ये जो एप्लीकेशन है ये बहुत जरूरी है अगर आप मोदी केयर में चीजों को जानना चाहते हो और कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं पहले आपको रेकमेंड करूंगा यूट्यूब पे मत जाकर उस प्रोडक्ट के बारे में जानिए क्योंकि YouTube पे हो सकता वो हमेशा अच्छा होता है। तो चैनल पे आपको जो भी वीडियो मिलेगा दैट इज ऑफिशियल मोदी केयर कंटेंट वो कंटेंट आपका प्योर होगा कोई मिलावट नहीं होगी सारी इंफॉर्मेशन पक्की होगी आज के डेट में हर बंदा यूट्यूबर बनाए अपनी वीडियोस बना रहा है तो आप फॉलो करिए इसको एसपी बी एम अकेडमी को किसी भी तरह की नॉलेज चाहिए बड़ी अच्छी अच्छी वीडियो में है इसमें आपको सुरेखा मैम की वीडियो मिलेगी आपको सारे बड़े लीडर की वीडियो मिलेगी और टाइम टाइम पे कंपनी इस पर वीडियो डालती रहती है जिसको सीख के आप आगे बढ़ सकते हो केवल इस ऐप को अगर आप इंस्टॉल करके सीखो तो आपको किसी भी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है सारी ट्रेनिंग इसमें एक जगह अवेलेबल हो चाहे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग हो चाहे लीडरशिप ट्रेनिंग हो हर एक तरह की ट्रेनिंग इसमें है अगला जो मोदी केयर का एक प्लेटफॉर्म है वो है इसका इंस्टाग्राम मोदी केयर का एक इंस्टा इंस्टाग्राम पेज है आप इंस्टाग्राम पे जाकर जब लिखेंगे मोदी केयर इंडिया तो आपको ये पेज मिलेगा इस पेज पे प्रतिदिन मोदी केयर जो भी प्रोडक्ट है इसके बारे छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो डालता रहता है और आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे टूल्स मिल जाएंगे जिसके माध्यम से आप इंस्टाग्राम के रील्स को अपने मोबाइल के गैलरी में सेव कर सकते हैं अगेन कैसे यूट्यूब पे जाइए सर्च करिए हाउ टू डाउनलोड इंस्टाग्राम वीडियोस आ जाएगा उसको डाउनलोड करिए और इजीली आप कर सकते हो और अगर आपके पास टेलीग्राम ऐप है तो टेलीग्राम पे एक बॉट है वो बोर्ड क्या करता है आप कोई भी इंस्टाग्राम का उसको यू देंगे तो उस यू से वो वीडियो आपको डाउनलोड करके दे देगा तो बहुत सारे तरीके हैं आप इस पे जाइए इसको फॉलो करिए इसमें आपको प्रतिदिन बहुत सारे वीडियोज आएंगे शॉर्ट्स आएंगे जिनको आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाकर लोगों को अवेयरनेस दे सकते हो ये कौन सा प्रोडक्ट क्या करता है एटलीस्ट आपकी डाउनलाइन और आप खुद समझ जाओगे कि मोदी केयर में कौन सा प्रोडक्ट क्या करता है क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज है मोदी केयर में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और ये जरूरी नहीं कि आपको सारे प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हो तो वहां पर ये इंस्टाग्राम का जो चैनल है ये बहुत काम आता है मेरे को नहीं लगता बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं बट मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि दिन में एक बार आप इंस्टाग्राम को जरूर देखिए कि आज मोदी केयर में क्या डाला इसमें ऑफिशियल न्यूज भी आती है मोदी केयर में क्या चल रहा है क्या नया लॉन्च हो रहा है प्रोडक्ट के बारे में भी न्यूज आती रहती है बहुत सारे मैसेज आते हैं समीर सर के जो आपको बताना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है इसके अलावा फेसबुक पर भी मोदी केयर का बना हुआ है यूट्यूब पर भी चैनल है पर भी है सब पे नहीं तो एटलीस्ट आप इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करिए इससे आपको बहुत सारी नई नई जानकारी मिलेगी छोटे छोटे वीडियोस हैं टेन सेकेंड ट्वेंटी सेकेंड जिनको आप इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाकर काम कर सकते हैं ठीक है अब बात हो रही है फेसबुक की बात हो रही है फेसबुक को चलाने की तो इसके और क्या क्या फायदे हैं अगर आप फेसबुक पे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं अगर आप फेसबुक पे चाहते हैं कि आप प्रोस्पेक्ट ढूंढें प्रोस्पेक्टिंग करें क्लोजिंग करें तो क्या कर सकते हैं सबसे पहली चीज ब्रांड आपको अपनी ब्रांड क्रिएट करनी होगी ब्रांड क्या चीज होती है इसको बताने के लिए मैं आपको एक दिखाता हूं एक दूसरी स्लाइड जिसमें आपको पता लगेगा कि किस तरह से ब्रांडिंग की जाती है ठीक है तो यहाँ पर एक प्रोफाइल दिख रही होगी आपको जहां पर मुनीष चोपड़ा सर का मैंने प्रोफाइल लगाया तो कोई भी व्यक्ति जब ये प्रोफाइल देखता है तो उसके दिमाग में क्या आता है यार कितना प्रोफेशनल इंसान है जो भी अचीवमेंट है इनके पास जयगुवार कार है हो सकता है आपके पास कोई छोटी कार हो या फिर हो सकता है आपके आपका घर बहुत अच्छा डेकोरेटेड हो तो कोई भी आप प्रोफेशनल सा प्रोफाइल फोटो लगाइए जिसको देखकर सामने वाले को ऐसा लगे कि यार ये इंसान बहुत प्रोफेशनल है कई लोग मैं देखता हूँ भगवान जी का फोटो लगा देते हैं कई लोग जो हैं किसी हीरो हीरोइन का फोटो लगा देते हैं तो ऐसा नहीं करना जब आप बात कर रहे हो ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड करने की तो आपका जो फेसबुक का प्रोफाइल है वो बहुत प्रोफेशनल होना चाहिए कोई भी देखे तो उसको लगे वाह यार क्या प्रोफाइल है इससे तो मिलना चाहिए या फिर इससे तो दोस्ती करनी चाहिए आप खुद मैग्नेट बन जाते हो जब आप किसी के पीछे पड़ते हो ना ये ह्यूमन का नेचर है जब आप किसी के पीछे पढ़ोगे तो आपसे दूर भागेगा कि यार क्या हो गया क्यों मेरे पीछे पड़ा है और जब आप किसी के पीछे नहीं पढ़ोगे आप अपने आप को मैग्नेट बनाओगे तो लोग खुद आपके पास आएंगे कहेंगे यार ये तो बड़ा सही दिखता है क्या करते हो आप क्या नहीं करते तो खुद आपके पास पूछेगा तो ये सबसे पहला काम है जो आपको करना है आपको अपनी फेसबुक की प्रोफाइल को चेंज करना है ठीक है और जो आप पोस्ट करते हो फेसबुक पर कभी आप क्या कहते हैं कोई बीजेपी का पोस्ट डालते हो कांग्रेस का पोस्ट डालते हो या फिर कोई भगवान जी का पोस्ट डालते हो ये सब ऑलरेडी बहुत सारे जगह चल रहा है इसको नहीं डालना अगर आप बिजनेस की बात कर रहे हो तो आपका जो प्रोफाइल है वो बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए आपको कोई अच्छा सा बिजनेस का कोट ढूंढना है गूगल से एक अपनी अच्छी सी प्रोफेशनल फोटो के साथ आप उसको डालना है हफ्ते में दो तीन बार आप पोस्ट करोगे तो देखोगे धीमे धीमे बहुत सारे लोग आपको लाइक करेंगे और जब आपको लाइक करेंगे तो आप उनका रिप्लाई करना थैंक यू कैसे करके तो इससे क्या होगा इंगेजमेंट बढ़ेगा लोग से जान पहचान बढ़ेगी तो ऐसे आप देखोगे कि इस तरह से हो रहा है आपका कोई दोस्त ने कुछ अच्छा पोस्ट किया आप उसको लाइक करोगे कमेंट करोगे तो इससे धीमे धीमे आप नर्चर कर रहे हो इसके लीड्स को आप आगे लोगों को आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट आप क्रिएट कर रहे हो ठीक है तो आप क्या क्या दिखा सकते हो आप इस तरह का पोच बना सकते हो जैसा आपको दिख रहा है बहुत आसान है इसको बनाना आजकल बहुत सारे रेडी टू यूज ऐप आते हैं जहां पर जाकर आप बना सकते हो तो अपना लाइफ दिखाओ आप कहीं घूमने गए थे वो डाल सकते हो लोगों को ऐसा लगना चाहिए यार ऐसा क्या कर रहा है इंसान जो इतना खुश रहता है मेरे को भी करना चाहिए तो आप अपना लाइफस्टाइल दिखा सकते हो मोटिवेशनल दिखा सकते हो हाँ जी आई थिंक uh, आपकी ना फर्स्ट स्क्रीन हमको दिख रही है आपने जो अभी प्रोफाइल बात करी है वो हमको नहीं दिखा है ओके okay. अभी दिख रहा है यस नाउ विजिबल सर थैंक यू थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग मेरे को लगा दिख रहा है थैंक यू सर ठीक है तो पहले मैंने बात करी थी इस प्रोफाइल की आपकी जो प्रोफाइल फोटो है वो इस तरह की होनी चाहिए आ, कि कोई भी व्यक्ति देखे तो उसको लगे कि हाँ यार बहुत ही प्रोफेशनल इंसान है कुछ भी नहीं डाल देना है कि कुछ भी मन में यार डाले अब आप ये सोचिए कि अब आप अपने प्रोफाइल को एज अ बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो पहले आप जब प्रोफाइल यूज करते थे तो आपका टाइम खराब होता था बट आप अब उस प्रोफाइल का फेसबुक का यूज करके आप अपना बिजनेस आगे बढ़ा रहे हो तो आप कोई भी एक्टिविटी करो तो ये जरूर ध्यान रखना की यार मैं आज से मोदी केयर बिजनेस के लिए काम कर रहा हूँ और ये प्रोफाइल जो है फेसबुक का ये मेरा आगे चल के मैं इसको एज अ प्रोफेशनल यूज करूंगा तो आप आप अपनी प्रोफाइल पे मोदी केयर के प्रोडक्ट के बारे में कुछ मत डालिए कि ये प्रोडक्ट ले लो मतलब आपका प्रोफाइल ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को लोग कि ये कोई सामान बेच रहा है आपको क्या करना है आपको अपनी लाइफ के बारे में डालना है आपको क्या करना है आपको कोर्ट डालने अच्छे, अच्छे अच्छे ताकि लोगों को ऐसा लगे यार ये बहुत अच्छा व्यक्ति है ये हमेशा मोटिवेटेड रहता है और ये अच्छी अच्छी चीजें बताता है और कोई विद्वान होने की जरूरत नहीं है हर चीज गूगल पे है आप गूगल पे जाइए लिखिए बिजनेस कोड्स आ जाएगा अपनी फोटो के साथ उसको एडिट करिए और लगा दीजिए और आजकल बहुत सारे ऐसे ऐप भी हैं जो ये काम आपके लिए कर देंगे ठीक है तो ये पोस्ट हो गया आप ये सारी चीजें डाल सकते हो मोटिवेश क्या नहीं डालना पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन नहीं डालना कोई रिलीजियस धार्मिक चीज नहीं डालना क्योंकि हो सकता है फेसबुक पर हर तरह के लोग हैं ठीक है तो वो चीज पसंद ना करें तो किसी किसी भी चीज, किसी भी चीज़ व्यक्ति का ऐसा फोटो मत डाल दो जो कि अच्छा नहीं लगता प्रोफेशनल नहीं लगता कई बार लोग कैसे भी कपड़े पहने होते हैं फेसबुक पर डाल देते हैं तो ये चीज गलत लेकर जाती है ठीक है और बहुत ज्यादा नहीं करना कि दिन भर में आपने बीस पोस्टे कर दी तो उस केस में क्या होता है लोग आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे तो बहुत ही स्पेसिफिक बहुत लिमिटेड चीजें ही आपको डालनी है ठीक है दिन का एक पोस्ट आप डाल सकते हो या फिर बहुत हुआ दो एक सुबह डाल दो एक रात में डाल दो ताकि एक बैलेंस बना रहे बहुत ज्यादा पोस्ट बिल्कुल नहीं डालना नहीं तो स्पैम हो जाएगा लोग आपको पसंद नहीं करेंगे अपनी अचीवमेंट डालिए दोस्तों अभी अंकित जी हमारे टीम में जिनका यूट्यूब चैनल भी है उन्होंने कार ली मैंने सिंपल उसको अपने फेसबुक पर डाला और मेरे पास अगले वीक कॉल आया कि मेरे को मोदी केयर ज्वाइन करना है किसी मेरे जानने वाले का जिसने वो पोस्ट देखी थी और आज के रेट में उनकी वाइफ जो है वो मोदी केयर में काम कर रही है तो ये फायदा होता है जब आप अचीवमेंट डालते हो तो आप ये अचीवमेंट जरूर डालिए कभी कभी ऐसा भी होता है आपने किसी को एक साल पहले प्लान दिखाया उस समय हो सकता है आपका चेक नहीं आता हो बट आज के रेट में अगर आपका 2000 का भी चेक आया है ना और आप वो चेक भेजोगे सामने वाले को अपनी अचीवमेंट तो वो मोदी केयर ज्वाइन कर सकता है क्योंकि उसको तो बाजार का सामान खरीद के एक रुपए भी नहीं आता तो अपनी अचीवमेंट आप जरूर दिखाइए ठीक है ये बिजनेस जो है ये अपनी अचीवमेंट दिखाने का बिजनेस है आप नहीं दिखाओगे तो सामने वाले को सपना थोड़ी ना आ रहा है कि आपने मोदी केयर से ये सारी चीजें ली हैं आपको बताना पड़ेगा कि भैया मैंने मोदी केयर किया और मेरे को ये चीज मिली तुम भी आओ साथ में करते हैं और मिलकर करते हैं मोटिवेशनल थिंग्स आप करिए लोगों को अप्रिशिएट करिए देखिए आपकी प्रोफाइल अच्छी है आपकी ब्रांड अच्छी है और किसी ने कुछ पोस्ट डाला और आपने उसको अप्रिशिएट कर दिया आज के डेट में इंसान को जो चीज नहीं मिल रही है वो है अप्रीसिएशन कोई किसी की तारीफ ही नहीं कर रहा है और आप वहां पर जाकर लोगों की तारीफ करोगे सच्ची तारीफ झूठी नहीं कि यार वो आपने पोस्ट डाली थी बड़ी अच्छी लगी हो सकता है आप फोन करके बोल सकते हो तो इससे क्या होगा आपका अच्छा होगा आपका बॉन्ड अच्छा मजबूत लोग पहली बार मिलते हैं फेसबुक के और तुरंत फोन करते हैं मेरे पास बिजनेस प्लान है आओ देख लो और कोई नहीं ज्वाइन करता कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी आपको जो बंदा अनजान है आप उसको प्लान बिल्कुल मत दिखाइए पहले थोड़ी सी उससे दोस्ती करिए थोड़ा सा अपना रेपो बिल्ड करिए उसको लगना चाहिए कि हाँ यार इंसान अच्छा है इसके साथ काम किया जा सकता है कोई एरू गैरू नहीं है उसके बाद जब आप इसको प्लान दिखाएंगे तो देखिएगा भाई और करेगा आपकी आपके साथ आप एक्टिविटीज डाल सकते हो जैसे आजादी मार्च हो रहा है फाइव स्टार होटल में हो अभी हमारा अगला इवेंट होने वाला है उसकी फोटो आप डालिए तो लोग ऑटोमेटिक देखेंगे अरे यार ये कहाँ है तो लोग पूछेंगे खुद वहां कहाँ गए थे क्या कर रहे हो तो चीजों को इस तरह से करना है और हो सके तो जहां पर भी मोदी केयर लिखा है आप उसको हाइड कर सकते हैं क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है सामने वाला पहले ही समझ जाता है और यूट्यूब पे सर्च कर लेता है मोदी केयर का तो आप डायरेक्टली कहीं पर भी सोशल मीडिया पे मोदी केयर अगर आप बहुत बड़े लीडर हैं आपको जयगुआर मिल गई है तब तो आप करिए कोई दिक्कत नहीं बट अगर आपने अभी अभी शुरू किया है तो मोदी केयर ओपनली मत कहीं पर ऐसे लगाइए प्रॉब्लम कुछ नहीं है प्रॉब्लम बस ये कि सामने वाला आपसे ना पूछ के यूट्यूब पे सर्च कर लेगा और हो सकता है वो किसी और लीडर के साथ ज्वाइन भी कर ले तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है अपने आप को और हाँ हफ्ते में एक दिन अगर आप लाइव जाते हैं जैसे संडे का दिन सैटरडे का दिन जो है वो काफी फ्री रहता है लोगों के पास तो अगर आप इस दिन पे जाते हो और हफ्ते में केवल एक दिन लाइव जाते हो और कुछ भी बोलते हो तो इससे इंगेजमेंट बढ़ता है फेसबुक का एक फीचर है लाइव फीचर आप जब फोटो या कुछ भी अपलोड करते हो तो वहां पर एक ऑप्शन आता है लाइव अगर आप लाइव जाके कोई भी वीडियो बनाते हो तो फेसबुक उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है तो आपने वो लाइव बनाया तो हो सकता है दो सौ लोगों ने आपकी वीडियो देख ली तो वहां से आपको बहुत सारी लीड मिल सकती है वहां से बहुत सारे लोग आपके साथ मोदी केयर में आ सकते हैं तो आप कुछ भी बोलिए आप उनको बोलिए दोस्तों आज ऐसे मन किया आपसे बात करने का तो मैं फेसबुक लाइव आया हूँ दोस्तों मैंने ऑब्जर्व किया कि आजकल मोबाइल चलाने से मेरा सर दर्द हो रहा है रेडिएशन का बहुत प्रॉब्लम है बहुत सारी चीजें हैं रेडिएशन की वजह से हो रही तो मैं आपको एक टिप देना चाहता हूं अगर आपको मोबाइल यूज करना है तो आप हेडफोन लगाकर यूज करिए ताकि रेडिएशन कम फैले कोई भी ऐसी चीज आप बताइए लोगों को जिससे उनके जीवन में कुछ वैल्यू एड हो रहा है जब आप ऐसी पोस्ट हर वीक डालोगे तो लोग आपको पसंद करना शुरू करेंगे इंगेज बढ़ेगा लोग कमेंट करेंगे आप फिर उन कमेंट पे उनको रिप्लाई करोगे ऐसे करते करते आपकी दोस्ती होगी अगेन आपके अगर दो तीन हजार फ्रेंड है फेसबुक पे तो किस दिन वो काम आएंगे वो आपका बिजनेस बढ़ाने में काम आएंगे और इन तीन हजार के भी तीन हजार है ऐसे ही करके तीन अरब लोग फेसबुक पर इकट्ठे हो चुके हैं आपके लिए तो देर किस बात की है इस मीटिंग के बाद उठाओ फोन और बना लो अपनी टीम बहुत सारी जितनी आपको चाहिए ठीक है कभी भी कोई कंट्रोवर्शियल पोस्ट चल रहा है तो आप उसमें मत पड़िए कई बार कुछ लोग कुछ डाल देते हैं फिर उस पर लोग कमेंट कमेंट करना शुरू कर सकते हैं ये सब नहीं करना आपको और ऐसा नहीं है आपको तुरंत करेंगे आपको तुरंत ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा हो सकता है आपको एक महीने बाद रिजल्ट मिले तो है पेशेंट आपको धैर्य रखना है और कभी भी आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर आपने कोई पोस्ट डाला था कोई व्यक्ति आपको हेलो हाई कर रहा है तो कैसे बात शुरू करें तो ये फॉर्म फॉर्मूला होता है हमेशा हम नेटवर्किंग में इसका यूज कर सकते हैं कभी भी आपको किसी से बातचीत शुरू करनी है तो पहले पूछे भाई साहब फैमिली में कैसे हैं लोग क्या हैं अच्छे हैं सब लोग कुशल मंगल है फिर आप पूछे क्या करते हो नौकरी कैसी चल रही है सैलरी वैल्यू टाइम पे मिल रही है सब कुछ सही है लोन ऑन टाइम पे जा रहा है मतलब हो सकता है वो कोई दोस्त था एक साल पहले मिला था उसके बाद आप चाहते हो उससे दोबारा से, से बातचीत बढ़ाना तो एफओ आर एम फॉर्मूला है फिर आप पूछो कि अच्छा लाइफ में क्या चल रहा है कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ये है वो है फिर आप आखिरी में नीट केट कर सकते हो अरे यार तुमसे बात हो रही थी तुमने बोला कि तुम जहां काम करते हो वहाँ पर सैलरी ज्यादा अच्छी नहीं है तो मेरे पास एक चीज है अगर तुम बोलो तो मैं तुमको बताऊं हो सकता है उससे तुम्हारा कुछ फायदा हो हो पाए तो ये सारी चीजें कब पता चलेंगे जब आप लोगों से बात करोगे लोगों के लाइफ में जाओगे तब आपको पता लगेगा कि किसके जीवन में क्या प्रॉब्लम चल रहा है तो वहां से आपको एक तरीका मिलेगा मोदी केयर बिजनेस को लेकर जाने का कोई अनजान आदमी है तो आप उससे ऐसे बात कर सकते हो भाई साहब कहां से हो वो बोला अरे भाई साहब मैं तो देहरादून से हूँ अरे देहरादून से हो आप बड़ी खुशी की बात है मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो भी देहरादून से भले ही आपका कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है कोई बोले आप क्या करते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर अरे आप भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो आप एक कॉमन फैक्टर ढूंढो कि जो सामने वाला है जिससे अभी अभी जान पहचान हुई है वो क्या करता है और आप कुछ ऐसा चीज ढूंढो कि आप उससे रिलेटेड हो जब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे तो बहुत जल्दी जल्दी आपकी दोस्ती होगी इस बिजनेस में जो व्यक्ति अनजान लोगों से ज्यादा अच्छे से बात कर लेता है वो जल्दी जल्दी सक्सेस हो जाता है और ये सेम चीज है कोई व्यक्ति नया टीम में जुड़ा उससे भी तो आपको जान पहचान बढ़ानी है तो ये सेम चीज आप उससे कर सकते हो बात करो और आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होता जाएगा ठीक है और व्हाट्सएप पे एक फीचर है स्टेटस का स्टेटस के बारे में आपको बता दूं आप कोई भी चीज स्टेटस पे लगाते हो तो 24 घंटे तक रहती है और उसके बाद अपने आप डिलीट हो जाती है तो ये बड़ा अच्छा फीचर है मेरे को बहुत सारे ऑर्डर मिलते रहते हैं मैं पोस्ट लगाता हूँ लोग देखते हैं और मेरे को सामान का ऑर्डर मिल जाता है तो अगेन आप जो मोदी केयर बिज वाला ले रहे हो उस पर वो जो फोटो आती है आप वो फोटो अपने स्टेटस पे लगा दो तो आपका नाम नंबर प्लस वो फोटो और डिटेल चला जाएगा आपको ऑर्डर मिल जाएंगे वहां से अब चलते हैं वापस पुरानी स्लाइड पे ठीक है तो यूजिंग फेसबुक ब्रांड की बात हो रही थी तो ब्रांड की हमने बात कर ली ब्रांड की बात कर ली उसके बाद लॉयल्टी की बात करें तो लॉयल्टी का यह, यहाँ पर क्या सेंस है लॉयल्टी का ये सेंस है कि हम कभी कभी ऐसे व्यक्ति को प्लान दिखाने के लिए परेशान हो जाते हैं जो हो सकता है मोदी मुद, केयर में काम कर रहा है और मोदी केयर में आप जिसको सोच रहे हो काम करे और हो सकता है वो उतना डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं हो तो आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा बंदा जो है वो मोदी केयर के लिए परफेक्ट है तो इसके लिए फेसबुक अगेन आपकी हेल्प करता है आपको अगर जानना है ना कोई व्यक्ति कैसा है तो पूरी जन्म कुंडली फेसबुक पर है आप उसका फेसबुक पर जाओ आप उसकी एक दो महीने की पोस्ट देखो छह महीने की पोस्ट देखो आपको पता पक्का समझ में आ जाएगा कि व्यक्ति कैसा है क्या ये बिजनेस दिखाने लायक है क्या ये बिजनेस में आके बहुत आगे ले जाएगा आप पहले देखो उसको समझो उसको एनालाइज करो फिर उससे दोस्ती करो फिर उसको प्लान दिखाओ ठीक है मैं आपको बताता हूँ एक इंसिडेंट मेरा एक फ्रेंड था मैंने उसको फोन लगाया की प्रकाश कहाँ उसके भैया ने उठाया बोला कि वो तो है नहीं फिर मैंने अगले हफ्ते फोन दिखाया मैंने चार हफ्ते तक लगातार पूछा प्रकाश कहा है क्या हाल चाल है पांचवे हफ्ते वो मेरे से मिला मैंने बिजनेस प्लान दिखाया और उसने तुरंत ऑन द स्पॉट ज्वाइन किया और काफी अच्छा काम किया तो रिलेशनशिप बहुत जरूरी है और प्रोफाइलिंग आप करिए कौन सा व्यक्ति अच्छा है आप ढूंढिए कौन सा जो ऑडियंस है वो लॉयल है प्लान दिखाने लायक है अपनी टारगेट ऑडियंस आप पहचानिए उसके बाद प्लान दिखाइए ठीक है अब जमाना जो है वो है रील का अब कई लोग बोलेंगे सर मेरे को तो रील नहीं बनाने आती मेरे को बोला मैम ने कि सर आप बताइए वीडियो कैसे बनाते हैं तो अगेन मैंने शुरू में बोला कि हर चीज का जवाब है यूट्यूब सर्च मैं आपको यहाँ पर हिंट दे रहा हूं कि एक ऐप है जिससे मैं वीडियो एडिट करता हूँ वीडियो बनाता हूँ बड़ा आसान है वीडियो बनाना पांच मिनट में आपकी एक रील बन तैयार हो जाएगी ऐप का नाम है इन शॉर्ट आप यूट्यूब पे जाइए लिखिए इन शॉर्ट कैसे चलाएं आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे आप इसको इंस्टॉल करिए मोबाइल पर थोड़ा ट्राई मारिए आप आ, आसानी से बना सकते हैं आप अपने हिसाब से रील बना सकते हैं लोअल्टी का सामान मिला उसकी रील बना दो थोड़ा बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा दो तो बहुत आसान है छोटे 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 बच्चे आजकल ये सब बना लेते हैं तो वीडियो जो ऐप है उसका नाम है इन आप सीखिए समझिए इसको यूज करिए बहुत अच्छा ऐप है मैं भी इसको यूज करता हूँ ठीक है एक बार समराइज कर लें क्या क्या सीखा मैंने बताया रील आपको बनानी है तीस सेकंड की एक मिनट की बनती है सब लोग आसानी से देख लेते हैं क्योंकि जमाना फास्ट है बहुत सारे लोग जो हैं वो लंबे लंबे वीडियो पसंद नहीं करते तो रील का जमाना है रील बनाना सीखिए एक मिनट की आधे मिनट की रील बनाइए व्हाट्सएप का स्टेटस लगाइए गूगल मैप गूगल मैप एक बड़ी अच्छी चीज़ है अगर आपका डी रन होता है और वो गूगल मैप पे नहीं है तो आपको कस्टमर नहीं मिलेंगे आपने होम शॉप खोला है लोगों को पता ही नहीं कि आप बिलिंग भी कर सकते हो होम शॉप की तो यहाँ पर अगर आप गूगल मैप पे जाते हो और अपना डिटेल डालते हो अपना लोकेशन डालते हो तो जब भी कोई व्यक्ति गूगल पे जाकर ढूंढेगा मैप में आपका फटाक से वो आ जाएगा और आपके यहाँ पर वो आकर फोन करके सामान ले जाएगा तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू तो हैव प्रेजेंस ऑन गूगल मैप गूगल मैप पे जरूर जरूर डालिए और अपने टीम में जितने डीपी हैं सबका डलवाइए है गूगल मैप पे मेरे को बहुत सारे लोगों को फोन आते हैं मेरा तो खुद का है भी नहीं डीपी बट फिर भी मेरे को बहुत सारे फोन आते हैं क्योंकि मैंने गूगल मैप में अपने घर का लोकेशन डाल रखा है तो अगेन नहीं पता यूट्यूब पे जाइए लिखिए गूगल मैप कैसे यूज करें आ जाएगा आप उसमें डालिए अपना मैप इसमें यूज ए बहुत सारा कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में आप अच्छा सा कंटेंट चाहते हो कि यार मैं स्टेटस पे या फेसबुक पे पोस्ट करना चाहता हूँ मगर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ तो बहुत सिंपल है दोस्तों एक ऐप है अभी अल्पेश सर ने बताया था फिर मैंने इस एक्सप्लोर किया आई हाईली रिकमेंड दिस ऐप इसका नाम है को पायलट माइक्रोसॉफ्ट का एक ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर जाइए लिखिए को ये यूज ए आई के आगे है इसको डाउनलोड करिए और इसके आपको लिखना है कि नोनी के बारे में तो आप उसमें लिखिए राइट व्हाट्सएप पोस्ट या राइट अ फेसबुक मार्केटिंग पोस्ट फॉर नोनी आपको अच्छा था वो पोस्ट बना के दे देगा नोनी का फोटो लगाइए अपना मोबाइल नंबर लगाइए वो पोस्ट डालिए दैट सेट हो गया आपका काम विद इन अ मिनट कुछ नहीं जाना गूगल पे जाके कुछ सर्ज नहीं करना सारा काम आपका को पायलट कर देगा या फिर अगर आप चैट जीपीटी में कंफर्टेबल हैं तो सेम थिंग कैन बी डन यूजिंग चैट जीपीटी मोदी केयर इंस्टाग्राम मैंने आपको पहले ही बता दिया इंस्टाग्राम बहुत अच्छा है मोदी केयर का बहुत सारे रील्स वगैरह आते रहते हैं आप उसको लगा सकते हैं उसमें सो थैंक यू सो मच मे बी आई वॉज क्वाइट फास्ट बट कोई बात नहीं आपको टॉपिक्स पता लग गए तो आप यूट्यूब पे सर्च करिए अच्छे से जानिए समझिए और मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेष हैं आपके साथ और फिर भी अगर कोई सवाल आता है आपका तो ये मेरा नंबर है आप मेरे को WhatsApp कर सकते हैं फोन पे मैं हो सकता है आपको जवाब न दे पाऊं बिजी हूँ क्योंकि मैं पार्ट टाइम में बिल्ड कर रहा हूँ मेरा टेलीग्राम का भी चैनल है जहां पर मैं बहुत सारी कंटेंट डाल डालता रहता हूँ अगर आपको टेलीग्राम में आ, चीजें चाहिए तो ये मेरा टेलीग्राम भी आप फॉलो कर सकते हो मोदी केयर टीम मोमेंटम के नाम से मेरा ब्लॉग भी है मैं बहुत सारी चीजें लिखता रहता हूँ मोदी केयर के बारे में नेटवर्क मार्केट प्रो डॉट कॉम आप वहां पर भी फॉलो कर सकते हो मेरा यूट्यूब का चैनल भी है ब्रिज भी शर्मा के नाम से आप वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं और मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं थैंक यू सो सो मच फॉर योर टाइम आई होप मैं कुछ वैल्यू एड कर पाया हूँ आपकी आपने जो ये समय दिया थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और अब मैं इन्वाइट करूंगा आज के होस्ट को जो आए और आगे का कार्यक्रम बढ़ाएं थैंक यू सो मच सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने आज पूरे लीडरशिप को इतना शानदार और इतनी बढ़िया ट्रेनिंग दी है और इस ट्रेनिंग के माध्यम से आपने हमें इतना सबको सिखाया कि पर्सनली मैं बताना चाहूंगी कि आपने आपसे मैंने आज क्या कुछ सीखा आई होप आज सबने ये सब कुछ अच्छे से सीखा होगा कि हम फ्री टाइम में कैसे मोदी केयर बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं और सोशल मीडिया का कैसे हम यूज करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं सर ऑनलाइन ऑफलाइन में आपने बताया कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा ऑफलाइन को ही रखनी चाहिए क्योंकि लोगों से मिलने जुलने का बिजनेस है आंकड़े बताए आपने बहुत अच्छे से ये फेसबुक पर कितने लोग हैं और टाइमिंग की हमें किस टाइम पर पोस्ट डालनी चाहिए साथ ही साथ आपने बहुत अच्छे से टेन पॉइंट्स बताए जो कि बेनिफिट है ऑनलाइन बिजनेस करने का कि किस तरीके से हमें क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं अगर हम ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो और सर आप मैंने आपसे सीखा कि आपने हमें यूट्यूब सर्च का इतना अच्छा यूज करना बताया कि हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है और वो है यूट्यूब सर्च कि अगर हमें रिवॉर्ड क्लब के बारे में डिटेल लेनी है तो हम यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं मोदी केयर बिजनेस अकाउंट के बारे में डिटेल लेनी है इन्फॉर्मेशन लेनी है तो भी हम यूट्यूब uh, पर सर्च कर सकते हैं और रोड टू फ्रीडम ऐप आपने बताया बहुत ही अच्छा ऐप है वाकई में आपने आज हमें इतने अच्छे से सिखाया कि हम मोदी केयर के बिजनेस को किस तरह से ऑनलाइन ग्रो कर सकते हैं और फेसबुक का हम कैसे अच्छे से यूज कर सकते हैं खुद को ब्रांड बना रहे हैं फालतू के पोस्ट नहीं डालने हैं कुछ अच्छा कुछ प्रोफेशनल डालना है हमेशा तो सर आपने बहुत ही अच्छे से आज हमें इतने सारे आइडियाज दिए बिजनेस को ग्रो करने के कि रील्स को यूज कर सकते हैं स्टेटस डाल सकते हैं गूगल मैप का यूज कर सकते हैं ए आई का यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ आपने बताया मोदी केयर का इंस्टाग्राम पेज जो कि वाकई में बहुत अच्छा है बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट इस पर हमेशा आते हैं तो थैंक यू सो मच सर आपने इतना बेहतरीन और नॉलेजेबल सेशन हमको दिया और इतना शानदार सेशन देने के लिए हमारे बीच में लाने के लिए सबसे बड़ा धन्यवाद गुरु माँ सुरेखा भार्गव मैम को जिन्होंने हम सबको घर बैठे ही इतना नॉलेजेबल सेशन दिया है थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स कल प्रोडक्ट डे है और जिसमें हम प्रोडक्ट की नॉलेज लेते हैं तो कल हमारे लिए अर्बन कलर की ट्रेनिंग लेकर आ रही है मोदी केयर की वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर इंद्रजीत कौर मैम तो फ्रेंड्स कल साढ़े छह बजे की लीप प्लेटफॉर्म की ट्रेनिंग को अटेंड करना मत भूलिएगा तो मिलते हैं कल के सेशन में कल शाम को साढ़े छह बजे तो थैंक यू सो मच गुड मोदी केयर मॉर्निंग लीडर्स